दोस्तों भारत और चीन के सैनिकों को लद्दाख के क्षेत्र में जो इतने समय से तनाव चलता आ रहा था और उसके बाद चीन के प्रोडक्ट्स और चाइनीज एप्स का जो बॉयकॉट किया गया था उसका भी लगता है दोस्तों कोई असर नहीं हुआ। इतनी सारी घटनाओं के बाद भी चीन जो है दोस्तों भारत का नंबर वन ट्रेड पार्टनर बनकर सामने आया है। तो क्या है ये पूरी खबर, इस पर दोस्तों आपको विस्तार में जानकारी देंगे आगे हमारे स्टूडियो में। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और हमारे वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं रोहित देश और दुनिया से जुड़ी हलचल की खबरें आप सबके सामने लाता रहता हूँ। साथ ही दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की। दोस्तों पिछले साल भारत चीन सीमा पर जबरदस्त तनाव और इसके बाद देश में चीन विरोधी माहौल बढ़ने और चीनी माल के बॉयकॉट जैसे अभियानों का दोस्तों ऐसा लगता है कि कोई खास असर नहीं पड़ा। साल 2020 में चीन जो है वो एक बार फिर से भारत का नंबर वन ट्रेड पार्टनर बन के सामने आया है। इसके पहले साल 2019 में दोस्तों भारत का जो नंबर वन ट्रेड पार्टनर था वो अमेरिका बन गया था, लेकिन साल 2020 में चीन दोबारा से भारत का नंबर वन पार्टनर बन गया है। भारत और चीन की सीमा पर पूर्वी लद्दाख में जो तनाव चल रहा था वो करीब एक साल के समय के बाद अब खत्म होता नजर आ रहा है। दोनों देशों ने आपसी समझौते से अपने अपने सेनाओं को पीछे बुलाने का मन बनाया है। भारत और चीन के सैनिकों के बीच जो इतनी तनाव तो नहीं हुई थी उससे दोस्तों चीन के खिलाफ भारत में काफी आक्रोश बढ़ गया था, लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भारत ने चीन का सबसे ज्यादा माल खरीदा है। चीन के बाद अमेरिका और फिर यूएई का नंबर आता है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत और चीन के बीच करीब 77 अरब अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ। हालांकि 2019 में भारत और चीन के बीच व्यापार करीब 85 अरब डॉलर का था, लेकिन दोस्तों यहां पर यह समझने वाली बात है कि 2019 में कोई कोरोना वायरस नहीं था और 2020 में कोरोना वायरस के चलते भारत में मांग काफी कम हो गई थी। साल 2020 में भारत और अमेरिका के बीच करीब 76 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। असल में दोस्तों कोरोना वायरस महामारी के चलते भारत का सभी देशों के साथ जो व्यापार था वो दरअसल कम ही रहा, लेकिन दोस्तों भारत में चीन के खिलाफ जो माहौल था उसके बाद ये लग रहा था कि भारत का चीन से जो व्यापार है उसमें कमी आएगी, लेकिन हुआ दोस्तों इसके ठीक उलट। पिछले साल तो भारत में चीन के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश था, जनता के बीच तो चीनी माल का बहिष्कार करने का आंदोलन चला ही, खुद सरकार ने भी चीनी कंपनियों के खिलाफ काफी सख्त कदम उठाए। इसके बाद भारतीय सरकार ने सैकड़ों चीनी एप्स को बैन कर दिया, लेकिन दोस्तों भारत में चीन के खिलाफ जो इतना आक्रोश बना था और चीन के मालों का जो इतना बॉयकॉट किया गया था उसका कोई असर नहीं पड़ा, जो कि भारत के लिए चिंता की खबर है। और अगर भारत को आत्मनिर्भर बनना है तो उसको चीन पर निर्भरता खत्म करनी होगी। तो दोस्तों आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई तथ्य या सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और टॉपिक लेकर। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।